अम्मी जान, अपनी प्यारी अम्मी जान को शुक्रिया अदा करने के लिए एक खूबसूरत जो है कार्ड बनाएं। इस कार्ड में अपनी अम्मी जान के लिए चंद जुमले लिखे और यहाँ जो है कृपा करें। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि हम जो है कार्ड बनाएंगे, कार्ड जो है बनाने के बाद हम इस पर जो है अम्मी जान के लिए जो है चंद जुमले लिखेंगे। मतलब हमारी अम्मी बहुत अच्छी है, हमारे जो है अच्छे से तरबियत की है, हमारी जो है ये हर काम करती है और सारी जो है घर का जो भी जो है काम होता है वो हमारी अम्मी जान करती है। खुद को मैं मुश्किल में डालकर हमारे लिए सब कुछ जो है करती है। सुबह सवेरे उठती है हमारे लिए, स्कूल के लिए हमें तैयार करती है, कपड़े हमारा धोती है, नाश्ता टाइम पे तैयार करती है, रात का जो है मतलब सब कुछ जो है हमारी माँ करती है। तो शुक्रिया के तौर पर जो है अपने खूबसूरत कार्ड जो है बनाना है और इस पर जो है अपने जो है अपनी प्यारी अम्मी जान के लिए जुमले जो है लिखने हैं। और माँ का तो ऐसा जो है एक है, उसके लिए तो चंद जुमले इसके लिए तो अगर लिखना शुरू करे तो कम है बच्चों, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए जो है बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है अपनी ये हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हैं, खुशियाँ हैं, बेहतरी है, तो ये हमारे माँ बाप की वजह से है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह ने अच्छा सेहत और लंबी ज़िंदगी दी। तो बच्चों अपने माँ बाप के लिए जो है दुआएं ज़रूर करना कि अल्लाह पाक उन्हें जो है हमारी खुशियों के लिए हमेशा सलामत रखे और हमारी सारी खुशियाँ अल्लाह पाक में जीतना नसीब करे, आमीन सुम्मा। फिर इसके बाद है खत्मा और सकता, जुमले पढ़ कर खत्मा और सकता लगाएं। चिड़िया घर में, शेर, बंदर, हाथी और मोर थे। तो यहाँ जो है शेर के बाद भी जो है ये अपने जो है सक्का जो है लगाना है, कौमा जिसको जो है बोलते हैं। हमने मज़ेदार बिरयानी, बिरयानी के बाद बिरयानी और कबाब, इसके दरमियान जो है सक्का जो है लगाना है और गाजर का हलवा खाया। फिर उसके बाद जो है खत्मा, फिर इसके बाद मेरी साइकिल बहुत अच्छी और नई, इसके दरमियान जो है सक्का और चमकदार है, इसके बाद जो है खत्मा। मैंने उर्दू अंग्रेज़ी, ये उर्दू और अंग्रेज़ी के दरमियान जो है सकता जो है लगाना है और हिसाब का काम कर लिया है। फिर खत्मा, फिर उसके बाद जो है सुर्ख और नारंगी, इसके दरमियान लगाना है। फिर कपड़े हैं, इसके बाद जो है खत्मा। बाग में फूल है, खत्मा। जाहिद स्कूल जा रहा है, खत्मा। आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, खत्मा। अली, इमरान, उमर और असलम मेरे दोस्त थे। अली, इसके बाद जो है सकता, इमरान, इसके बाद जो है सकता, उमर और असलम मेरे दोस्त है के बाद जो है खत्मा। फिर इसके बाद जो है तस्वीरें देखे और लिखे, हर तस्वीर के बारे में दो जुमले लिखे। हमें तस्वीर दी है, ये चूज़ा है, इसके बारे में हमने दो जुमले, चूज़ा चू चू करता है, चूज़ा जो है पीले रंग का है, इसके बारे में हमने दो जुमले। फिर इसके बाद है सूरज और बादल, सूरज रोशनी देता है, बादल बरसते हैं। फिर इसके बाद जो है हमें ये एक बूढ़ी औरत है और उसके साथ जो है बच्चा है, ये भी है और गाड़ी है, उसके हवाले से हम जो है जुमले लिखे हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, ट्रैफिक के जो कवानीन होते हैं उसको जो है उसकी पाबंदी की जो है ज़रूर करनी चाहिए। और रोड पार करते वक्त जो है दाएं बाएं देखना चाहिए, दाएं बाएं देखने का जो है फ़ायदा ये होता है अगर गाड़ी जो है आ रही हो तो हम तो ये थोड़ा सब्र कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है सड़क पार जो है करेंगे, तो इसलिए जो है दाएं बाएं देखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद है चिड़ियाघर की सैर, दिए गए अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल करें। दिए गए जो है अल्फाज की मदद से, अल्फाज हमें यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तालाब, शेर, बंदर, बम, मछलियाँ, चिड़ियाघर, दरा, यहाँ पे एक कहानी है, तो हम इस अल्फाज की मदद से उनको जो है पूरा करेंगे। एक दिन अली अपने अबू जान के साथ चिड़ियाघर की सैर को गया, उन्होंने वहाँ पर एक बंदर को केले खाते देखा, सामने एक शेर का पिंजरा था, वहाँ बहुत फलों के दरख्त थे, सामने एक बड़ा सा तालाब भी था जिसमें मछलियाँ तैर रही थी, घूम फिर कर वो बाग में जाकर देख गया। तो ये एक मुकम्मल कहानी जो है हो गई। फिर उसके बाद है घर के हिस्से, तस्वीर को देखकर बताएं कि ये घर का कौन सा हिस्सा है और आप इसे किस के लिए किस लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। और दी गई जो है तस्वीर में रंग भरें, तो ये तस्वीरें हैं इसमें जो है हम रंग भी भरेंगे और इस पर हमने जो है तस्वीर दी है और कि हम इसमें जो है बताएं कि ये किस लिए। तो ये घर का जो है बावर्ची खाना है, हम इसमें मज़े मज़े के खाने जो है बनाते हैं, हमारा घर का किचन खूबसूरत है, तो ये हमने इस पर जुमले बनाए हैं। और ये है जो है बेडरूम, ये घर का जो है कमरा है,
जहाँ जो है हम सोते हैं, हमारा बहुत प्यारा बेड है जिस पर हम सोते हैं, कमरे में एक अलमारी है जिसमें हम कपड़े लटकाते हैं और अपने कमरे में हम सुकून महसूस करते हैं। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ग्रेड वन का जो है उर्दू का जो है ये पूरा जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर इसके बाद ये बात जो है हरूफ तहजी है, ये वहाँ पर जो है लगाने हैं, इसम और तिल का तेल है। तो दोस्तों ये हमारा मुकम्मल हो चुका है, इंशाल्लाह अगले जो है लेक्चर के साथ जो है फिर हाजिर होंगे। और आप सबके लिए दुआएं है कि अल्लाह पाक आप सबको जो है सलामत रखे, अल्लाह पाक सब के बच्चों को नेक सालिह दीनदार फरमानबरदार बड़ा करे, अल्लाह सबको अच्छा सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, और जिसके औलाद नहीं है अल्लाह पाक उन्हें औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।